नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तिवारी और आज मैं जा रहा हूँ देघाट का मेला और आपको दिखाऊंगा देघाट के मेले में कितनी भीड़ हुई है। क्या और क्या करे, आइए बने। तो दोस्तों, अब हम देघाट के मेन मार्केट में आ चुके हैं और आप अभी जो नज़ारा देख रहे हो वो है देघाट के मेन बाज़ार चौराहे का। और आप देख सकते हो कि ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ना मात्र। और आप देख सकते हो क्योंकि एक किलोमीटर पहले ही फतेहपुर जो पुल है उससे थोड़ा आगे जाके सारी गाड़ियों को वहीं रोक दिया गया है, वहीं पार्किंग कर रखी है। और आप देख सकते हो आपको एक भी गाड़ी पूरे बाज़ार में नहीं मिलेगी, केवल लोग जा रहे हैं और केवल ऊपर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ हनुमान मंदिर से ऊपर उनकी पार्किंग कर रखी है। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और ये अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन के आने से ही ये सब कुछ हो रखा है, नहीं तो पिछले साल तक यहाँ पर बिल्कुल भगदड़ मची रहती, उधर से गाड़ियों का बुरा हाल, इधर से लोगों की भीड़, ये वो सब अनियंत्रित था। लेकिन इस बार ये बहुत ही पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप ये पुल का नज़ारा देख सकते हो, और सामने कल सुनने में आया कि कल रात यहाँ पर बहुत सारे दिए बिनोद नदी में प्रवाहित किए गए, वो नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर क्या वो दिए वो किए करके। और आप देख सकते हो ये देघाट का पुल, और अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बहुत अच्छा ये नज़ारा देखने को मिल रहा है देघाट का। और ट्रैफिक से काफ़ी खुश हैं क्योंकि बिल्कुल बाज़ार में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। और आप देख सकते हो पुल से उधर ये वाली पुल, और यहाँ पर आप देख सकते हो पानी जो दिख रहा है ना आपको, यहीं पर कल रात को दिए प्रवाहित किए गए बिनोद नदी में। और अब हम देघाट पल्ली बाज़ार में, और अभी देघाट माता के दर्शन आपको कराते हैं। और ये मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं, और भीड़ तो अच्छी खासी हो रखी है। लेकिन पहले अब यह है कि बलि प्रताप पर यहाँ पर रोक लग चुकी है, तो इस चक्कर में उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है। एक क्योंकि एक हमारा अल्मोड़े और पौड़ी गढ़वाल का ये सेंटर है, बॉर्डर पे है, और यहाँ पर साक्षात माता विराजमान रहती है। और आप देख सकते हो, और ये व्यवस्था सबसे बेहतर यहाँ पर इस साल पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि पहले जब मंदिर में हम जाते थे दर्शन करने के लिए तो काफ़ी धक्का मुक्की भीड़ होती है, कोई वो नहीं थी, लिमिट नहीं थी, कोई कैसे भी वहाँ चले जाता था। लेकिन इस बार आप देख सकते हो सारे श्रद्धालु लाइन पर लगे हैं और एक एक करके अपने बारी का इंतज़ार करते हुए भेंट स्वरूप माता रानी को यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और प्रसादी लेके मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये हमारी सीता जो कि भगवान के माता के दर्शनों के लिए लाइन पर लगी हुई है, और मैं भी अभी लाइन पर लग के माता रानी के दर्शन करूंगा, उसके बाद आपको आगे मेले का नज़ारा दिखाएंगे। और अभी यहाँ पर राम मंदिर भी बन रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रखा है, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये आप देख सकते हो मौसम भी आज बिल्कुल साफ़ है, हल्के हल्के बादल हैं लेकिन काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम। और उस ऊपर एरिया में थाना खुला हुआ है, और जो देघाट का हॉस्पिटल आप देख रहे हो, और ये है राम मंदिर जो कि अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, और नीचे पटवारी चौकी, और उसके सामने आप देख सकते हो ये गंगानगर, ये एरिया जो है गंगानगर कहलाता है, और इससे इधर नागचुला खाल को ये रोड सीधे ऊपर को जाती है। और ये आप देख सकते हो माता रानी का मंदिर,
मुख्य मंदिर ही आप देख सकते हो। यहाँ पर एक एक करके मंदिर समिति के लोग भी लगे हैं और साथ में उत्तराखंड पुलिस के लोग भी यहाँ पर सारी व्यवस्था को सही ढंग से चला रहे हैं। और यहाँ पर अब वो चीज़ तो नहीं रही जो पहले, मतलब यहाँ पर बलि प्रथा, कटरे ये काटे जाते थे, लेकिन अब केवल माता रानी का डोला आता है हर एक गांव से। यहाँ पर जो भी अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ देते हैं आते हैं और ढोल नगाड़े निशान के साथ यहाँ पर आके माता रानी का जगराता करते हैं और पूजा अर्चना के बाद चले जाते हैं। और ये आप देख सकते हो, और भोलेनाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं किसी गांव का ये डोला है और ये लोग पूरे सज धज के माता रानी का डोला लेके यहाँ पर अपने परंपरा के अनुसार डांस कर रहे हैं और माता की परिक्रमा करने के बाद डोला को वापस घर को भेजा जाता है। और आप देख सकते हो गांव के लोग सभी आए हुए हैं यहाँ पर और माता का जगराता करते हुए डांस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो और ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये बच्चों का खेलने का स्थल। और आप तो देख सकते हो कितने यहाँ पर बच्चे प्यार से, हमारी सीता भी गई यहाँ पर और ये घुसघुसाई कहते हैं इसको, ये खेल रहे हैं और अच्छे से इसमें उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और मेले में बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं क्योंकि होता ही है मेला खासतौर पर युवा वर्ग और बच्चों के लिए ही मुख्य रूप से होता है आकर्षण का केंद्र। हाँ हम इसमें झूले में हैं। हाँ ड्रैगन वाला झूला ऐसा लग रहा है और ये हमारी हिस्सू और दोस्तों अब शाम का वक्त हो चुका है और शाम के 3:30 होने को हैं और हम भी अब घर को जाने की तैयारी पे हैं। और आप देख सकते हो जाते जाते यहाँ पर कितनी अच्छी और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं
और लोगों का जो जमाव कहते हैं ना भीड़, यही होती है मेन, जो पहले अष्टमी मेले की पहचान थी देघाट की, ऐसी ही भीड़ थी, खचाखच, बिल्कुल रास्ता दिखता ही नहीं था। वैसी भीड़ अभी हो रही है शाम के वक्त, क्योंकि लोगों को सुबह से अभी काम करते करते आज अष्टमी के पूजन में होता है, इसलिए लोग शाम को आना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं। और नज़दीक के लोकल के जितने लोग शाम के आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो देघाट मार्केट का नज़ारा काफ़ी सुंदर, काफ़ी खचाखच, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है, यह काबिल तारीफ है। तो ये था आज का मेला, और अब टाइम हो चुका है 4 बजने को है, और अब हम घर को जा रहा हूँ मैं। और आज काफ़ी अच्छा लगा मेले में, काफ़ी सुविधाएं हैं, ट्रैफिक तो नाम मात्र है, सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पुलिस प्रशासन की, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमको लगा। और अब हम घर को जाते हैं, और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग, तब तक के नमस्कार।